हेलो गाइस, माय नेम इज गौरव पध्या और गौरव पध्या के व्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार और हरिद्वार में कनखल यात्रा के दौरान कुछ आश्रम और कुछ मंदिरों के आपको दर्शन कराएंगे, तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ। गीता मंदिर, चलो भाई गीता मंदिर आ गया। गीता मंदिर चले तो भाई साहब, ये गीता मंदिर है और एक गीता मंदिर का एंट्रेंस द्वार है, ये देख लीजिए। श्री गीता मंदिर, इधर यात्रियों के ठहरने की उचित व्यवस्था है। संचालक स्वामी श्री नरेशानंद जी महाराज। यार यहाँ पर तो रुकने की व्यवस्था भी है। तो दोस्तों, इस गीता मंदिर में आपको भागवत गीता के दर्शन कराएंगे और भागवत गीता को यहाँ पर मूर्ति का रूप दिया गया है, तो आप मूर्ति के रूप में भागवत गीता के दर्शन कर सकते हो। तो दोस्तों, इस आश्रम में आपको रहने की उत्तम व्यवस्था भी है, लेकिन आपको हर की पौड़ी से थोड़ा दूर मिलेगा, 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं है, यहाँ पर ई रिक्शा जगह जगह पर आपको मिल जाएगी। आप ई रिक्शा के द्वारा कुछ ही रुपया दे के आप हर की पौड़ी जा सकते हो, लेकिन थोड़ा दूर पड़ेगा, 4 से 5 किलोमीटर डिस्टेंस रहेगा। तो दोस्तों, गीता मंदिर होने के बाद हम आपको ले चलेंगे हरिहर आश्रम। जी हाँ दोस्तों, यह हरिहर आश्रम है और इस हरिहर आश्रम में भी आपको रहने की उत्तम व्यवस्था मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर शंकर जी का भी बहुत बड़ा मंदिर है और आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर रुद्राक्ष का भी बहुत बड़ा पेड़ है। जी हाँ दोस्तों, इस रुद्राक्ष के पेड़ के नीचे आपको 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कराएंगे। बोलते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन यदि आपको यहाँ करने हैं तो उसकी 3 परिक्रमा यदि पूरी करते हो तो आपकी जो मन की इच्छा है वो पूरी होती है। ये रहा ये रुद्राक्ष का पेड़ है, ये रुद्राक्ष। पारदेश्वर महादेव, ये यहीं के है सब रुद्राक्ष, यहीं से निकले हुए हैं सब। और दूसरा जगह यहाँ से कौन सा मुखी का रुद्राक्ष निकलता है? सब, 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 सब कुछ भी निकल सकता है ऐसा है। ये यहाँ पे जो रुद्राक्ष का झाड़ है उसके लिए प्रसिद्ध है ये, या किसके लिए प्रसिद्ध है ये? भारतेश्वर मंदिर। अच्छा, मंदिर के लिए, ये मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा अच्छा, राजा दक्ष पैर वहीं यही रहते थे क्या? तो आपके पूर्वजों ने देखा होगा यार? देखा होगा कि नहीं देखा? अरे इनके पूर्वजों ने देखा होगा कि। तो दोस्तों, हरिहर आश्रम करने के बाद हम निकल पड़ते हैं कनखल की आन बान और शान, जो कि राजा दक्षेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर है। प्राचीन कथा के अनुसार कहा जाता है कि माता सती ने अपने प्राणों की आहुति इसी कुंड में ही दी थी। प्रवेश द्वार आगे है, तो गाइस यहां से हम जाएंगे राजा दक्ष को देखने के लिए। तो दोस्तों, जैसे ही हम अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पर जो कुंड दिखाई देगा, श्री सती कुंड। जी हाँ दोस्तों, ये वही कुंड है जहाँ पर माता सती ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। और देखिए, अब लोग यहाँ पर पैसे चढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही इस मंदिर के आप पीछे जाओगे तो वहाँ पर आपको श्री गंगा जी का प्राचीन मंदिर दिखेगा और इस गंगा जी के प्राचीन मंदिर के पास में ही आपको बहती हुई गंगा दिखाई देगी और यहाँ पर आपको माता गंगा जी के चरण पादुका भी दिखाई देंगे जिसे आप दर्शन कर सकते हो। प्राचीन मंदिर शीतला माता मंदिर, श्री काली माता मंदिर, श्री दुर्गा माता, श्री सती जी का जन्म स्थान। अरे यार, सती जी का जन्म स्थान है तो जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये रहा प्राचीन श्री शीतला माता जी का मंदिर। प्राचीन कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि माता सती जी का जन्म स्थान यही रहा था। तो दोस्तों, कनखल यात्रा यदि आप करते हो तो कनखल यात्रा में आपको अधिकांश यहाँ के जो ई रिक्शा या जो भी आप जिस गाड़ी में आते हो वो यहाँ पर पायलट बाबा का जो आश्रम है उस आश्रम में आपको नहीं ले जाएंगे, क्योंकि टाइम इतना हो जाता है कि वो आगे आगे के ही मंदिर आश्रम दिखा के वो रिटर्न हर की पौड़ी छोड़ देते हैं। लेकिन हम आपको पायलट बाबा का जो आश्रम है वो दिखाने ले जाएंगे, क्योंकि इस आश्रम में यदि आप आओगे तो काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि 1 घंटा तो कहीं नहीं गया इस आश्रम में जाएंगे तो, क्योंकि झांकी वगैरह इतनी है यहाँ पर देखने के लिए
और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह सब आपको मैं एक एक करके बताऊँगा, तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ और बताता हूँ आपको मैं यहाँ की झांकियाँ। तो दोस्तों हमारा अगला डेस्टिनेशन है श्री स्वरूपानंद जी संन्यास आश्रम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको रामेश्वर में जैसा पानी के अंदर तैरता हुआ पत्थर के जो आप दर्शन करते, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी आपको वैसा दर्शन करने मिलेगा। तो दोस्तों इतना सारा आश्रम आपको बता बता के हम थक गए हैं कि अगला डेस्टिनेशन हमारा जो आया है वो मानव कल्याण आश्रम है। जी हाँ दोस्तों, इतने सारे आश्रम आपको बताया, उनमें से एक आश्रम यह भी है मानव कल्याण आश्रम। यहाँ पर भी रहने की उत्तम व्यवस्था है, जहाँ पर आप रह सकते हो और यहाँ पर मंदिर के दर्शन भी कर सकते हो। तो दोस्तों इतने सारे आश्रम और मंदिरों के दर्शन कराने के बाद मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आपको कनखल यात्रा करना हो तो कनखल यात्रा पूरी करने के लिए आपको ई रिक्शा की मदद से ही आप पूरी यात्रा करिए। 4 से 5 सवारी उसमें आ जाती है और 500 से 600 रुपये वो लेता है। पूरी कनखल यात्रा आपको करा के वापस आपको हर की पौड़ी पर उतार देता है और वहाँ पर गंगा जी की आरती व्यवस्थित आप कर सकते हो। आज आज देखो आज आज